तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देख लेना। तो हम जब भी कोई फोन लेते हैं, चाहे ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, हमेशा विश्वास पे लेते हैं। हमें कभी पता नहीं चल पाता है जो हम अभी फोन ले रहे हैं ये न्यू है यानी फ्रेश फोन है या फिर एक्टिवेट है यानी पहले से यूज किया गया फोन है, और इस फोन को कितने दिन पहले एक्टिवेट किया गया था। अगर एक्टिवेट फोन है तो क्या इसमें वारंटी बचा है, वारंटी बचा है तो कितना मंथ का और वारंटी बचा हुआ है। तो आप मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया और ये फोन मेरे पास आ गया, या मैं मार्केट जाता हूँ और किसी दुकान से एक फोन को खरीद लेता हूँ और मैं अभी तक इन फोनों का बॉक्स को ओपन नहीं किया हूँ। अब मैं कैसे पता करूँ जो फोन मैं अभी ले रहा हूँ ये फ्रेश फोन है या फिर एक्टिवेटेड फोन है, और अगर इस फोन को एक्टिवेट कर दिया गया है तो कितना दिन पहले एक्टिवेट किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, जब मैं न्यू फोन ले रहा हूँ तो ये फोन एक्टिवेट कैसे हो सकता है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जिस फोन को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, हो सकता है मेरे से पहले किसी और ने ऑर्डर किया हो और ये फोन पहले उसके पास गया हो और फिर उसने रिप्लेसमेंट या रिटर्न किया हो, उसके बाद फिर वही फोन को मेरे पास डिलीवरी कर दिया गया हो। अब जो व्यक्ति मुझसे पहले ऑर्डर किया था वो कुछ ना कुछ दिन तो इस फोन को यूज किया ही होगा, या हो सकता है मैं जो मार्केट से फोन बाय किया हूँ उस दुकानदार ने पहले इस फोन को अनबॉक्सिंग कर लिया हो और इसका वीडियो बना लिया हो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो न्यू फोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसे पैक कर देते हैं और फिर उसे बेच देते हैं यानी सेल कर देते हैं। अब ये सब फ्रॉड से हम लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं ये फोन फ्रेश है या एक्टिवेट है। तो बहुत सारे मोबाइल कंपनियां हैं, लगभग जितने भी कंपनियां हैं सभी के पास अपना अपना वेबसाइट होता है जहां पे उस फोन का IMEI नंबर डालकर चेक कर सकते हो ये फोन कब लिया गया था, कब एक्टिवेट हुआ है या फिर फ्रेश फोन है। आप सोचोगे जब फोन खोलना ही नहीं है तो IMEI नंबर कैसे पता करेंगे, तो डाबा पे ऑलरेडी IMEI नंबर लिखा होता है, आप उसके द्वारा चेक कर सकते हो। या हो सकता है आप कोई पुराना फोन खरीद रहे हो और जिसे खरीद रहे हो वे बोल रहा है कि न्यू फोन है, मैंने ज्यादा दिन इसे यूज नहीं किया है, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि इस फोन को कब लिया गया था और इसका एक्टिवेट डेट कब है। आप सभी प्रकार के कंपनी के फोनों का एक्टिवेशन डेट चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है चलिए हम लोग जानते हैं आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में या फिर फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि सेम प्रोसेस आप अपने फोन पे भी कर सकते हो, मैं आपको कंप्यूटर पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो आपके पास जो भी कंपनी का फोन है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सर्च किया हूँ, आपके पास जो भी फोन है उसको नाम सर्च कर दीजिए और लिख दीजिए एक्टिवेशन चेक। जैसे मेरे पास वीवो का और ओपे का फोन है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा वीवो एक्टिवेशन चेक, और यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वीवो का ही है, तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज अपना IMEI नंबर को फिल कर दीजिए। आपको IMEI नंबर कैसे निकालना है और कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब हम कोई फोन खरीद रहे हैं ना तो उसके बॉक्स के जो नीचे का साइड होता है ना उस पे IMEI नंबर या फिर बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, वहां से आपको केवल IMEI नंबर को नोट कर लेना है और यहाँ पे फिल कर देना है। या फिर आपके पास फोन है, कोई पुराना फोन है जो आप चला रहे हो उसका चेक करना चाहते हो कि आपने कब फोन लिया था, हो सकता है आप कोई पुराना फोन भी खरीद रहे हो उसका IMEI नंबर निकालना चाहते हो, या फिर कोई फ्रॉडबाजी आपसे कर रहा है तो चेक करना चाहते हो कि क्या सच में ये फोन न्यू है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना इसको अपने फोन डायलर में डायल कर लेना है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे ही आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा, आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा। या फिर आप सेटिंग में भी जा सकते हो और यहाँ से देख सकते हो IMEI नंबर दिख रहा है, आप यहाँ से भी उसे कॉपी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वीवो का फोन का IMEI नंबर को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आई एग्री कर लेता हूँ और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, आप इसे फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन का एक मॉडल दिख रहा है, एक लुक दिख रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉडल बताया जा रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी कलर था आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाएगा ये फोन कब लिया गया था आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कब इसका वारंटी एक्सपायर हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई भी न्यू फोन होगा ना तो वहाँ पे ये जो आपको डेट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको डेट जो दिखाई दे रहा है एक्सपायर इन डेट, ये आपको न्यू फोन में नहीं दिखेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलेगा और उसमें लिखा होगा कि ये फोन जब एक्टिवेट होगा तब इसका वारंटी डेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास ओप्पो का फोन है तो आप ओप्पो एक्टिवेशन चेक सर्च कर लीजिए और यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको IMEI नंबर डाल देना है और चेक नाउ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे कैप्चा आ रहा है इसे फिल कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिटेल्स आ गया, यहाँ पे ओप्पो F3 ये फोन है और यहाँ पे IMEI नंबर दिख रहा है और इसका एक्सपायर डेट दिख रहा है यानी कब इसका एक्सपायर हुआ है वारंटी, और ये फोन कहाँ पे लिया गया था तो इंडिया में लिया गया था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आप फिर दूसरा फोन का चेक करना चाहते हो तो चेक अगेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर से IMEI नंबर डालकर चेक नाउ पे क्लिक कर लीजिए। तो अब देखो तो मैं जिस फोन का IMEI नंबर डाला था उसका सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे IMEI नंबर आ गया, यहाँ पे मॉडल आ गया, यहाँ पे कलर आ गया और इसका कब एक्सपायर होने वाला है, ये प्रोडक्ट 2024 में इसका जो भी वारंटी है एक्सपायर होगा यहाँ पे मुझे पहले ही बता दिया गया। ऐसे ही आप रियलमी का चेक करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो रियलमी एक्टिवेशन चेक, पोको कंपनी का चेक करना चाहते हो तो पोको एक्टिवेशन, सैमसंग का सैमसंग, मोटरो का मोटरोला, यहाँ पे देखो तो जो भी आप फोन का चेक करना चाहते हो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो।